हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है, वेलकम बैक। और आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं मोटेल मैनेजर सिमुलेटर। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने अपने मोटेल को पूरा का पूरा मैक्सिमाइज लेवल तक अपग्रेड कर दिया था, मतलब सारे कमरे अनलॉक कर दिए थे। बाकी भी जितनी भी चीजें हैं ना इस गेम के अंदर हमने अनलॉक कर दी थी, बट हमारे जो ये कमरे है ना, नीचे के कमरे ऑलमोस्ट सारे रेडी है, बस लास्ट का ये एक कमरा बचा हुआ है और ऊपर के सारे कमरे अभी बचे हुए हैं, है ना। और हमारे मोटेल की रेटिंग आप लोग देख सकते हो 4.5 मतलब 5 होने ही वाली है। तो अपने को अभी क्या करना है आज के एपिसोड में ना, ये जो लास्ट कमरा बचा हुआ है ना नीचे वाला 10 नंबर, इसको हम लोग एकदम तगड़ा वाला रेनोवेट करना है। मतलब ऐसा रेनोवेट के किसी ने सोची नहीं होगी यार, इतना महंगा करेंगे हम लोग इसमें सामान ऐड, मतलब एक एक चीज हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं, महंगी से महंगी, जितनी भी महंगी हो, ठीक है। सो आज के एपिसोड को हम लोग शुरू कर देते हैं। ये बंदा यहाँ पर खड़ा होकर क्या कर रहा है भाई? भाई मेरे को लग रहा है ना यहाँ पर अपने को कुछ लाइटें भी ऐड करनी पड़ेगी, बहुत ही अंधेरा अंधेरा लग रहा है यार इधर तो। यहाँ पर देखो मस्त वाली ये लाइट, ये ट्यूबलाइट तो मैंने मिलती नहीं है शायद अपने पास, है कि नहीं, मैंने नहीं देखी। आई थिंक वो वाली ट्यूब अपने पास नहीं मिलती। चलो भाई अभी अपन, मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे पास $15,000 है, तो $15,000 में हम लोग बहुत अच्छी खासी रेनोवेशन कर सकते हैं। तो मैं सामान मंगवाने जा रहा हूँ भाई, सीधा सीधा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। भाई यहाँ पर फ्यूल तो बिल्कुल ही कम बचा है, मेरे को ना पहले फ्यूल ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भी हमारे पास $13,000 है, तो हम लोग मंगा सकते हैं आराम से। बेड के अंदर चलते हैं, सबसे महंगा बेड कौन सा है भाई? ये वाला बेड सबसे ज्यादा महंगा है, तो हर एक चीज एकदम महंगी वाली ऐड करनी है, ये चीज का अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे को इस कमरे से मैक्सिमम अर्निंग चाहिए भाई। जो भी बंदा ये कमरा लेगा, चाहे सिंगल ले चाहे डबल ले, मैक्सिमम अर्निंग अपने को इस कमरे से करनी होगी। सो बेडशीट भी मैं एकदम महंगी वाली ये वाली बेडशीट दो मंगा लेते हैं। ब्लैंकेट भी सबसे महंगे वाले ये दो मंगा लेते हैं। देन पिलो भाई, ये रेड वाला पिलो सबसे महंगा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, हालांकि इसी में ये पिलो भी है, प्राइस सेम है, ठीक है। तो ये वाला पिलो मंगाते हैं, सबसे महंगा डोर, ओके। ये लास्ट वाले तीनों डोर ही 90 के हैं, मतलब $6 का बोनस है ना, तो हम लोग ये वाला डोर ही ले लेते हैं। अंदर भी यही डोर लगाएंगे, ठीक है, दोनों के दोनों डोर यही लगेंगे, क्योंकि यही सबसे महंगी डोर है। देन सीलिंग लैंप सबसे महंगा कौन सा है? सो ये लास्ट के तीनों लैंप बहुत महंगे हैं, इनमें 7.5 का बोनस है, तो मैं ये तीनों एक एक मंगा रहा हूँ। ये वाला बाथरूम में लग जाएगा, ये दो लग जाएंगे इसके अंदर, तो हम एक काम कर सकते हैं। वैसे ये मैं दो दो मंगा रहा हूँ, ठीक है, सो दैट मैं इनको ही लगा दूँ शफल करके, कमरे में थोड़े ज्यादा भी लग जाएंगे। सो हमारे पास सबसे महंगा वाला टब जो है 85 वाले, ये 4 बाथटब है, ठीक है, तो एक ही लगा सकते हैं हम लोग। सो हम लोग क्या करते हैं गाइस, ये वाला थोड़ा बढ़िया सा लग रहा है, तो ये वाला एक मंगा लेते हैं। देन सबसे महंगा वाला सिंक तो हमें पता है, ये वाला ये एक ही लगता है, तो ये एक ही मंगा लेते हैं। $8 वाले ये वाले टावल है, तो मैं ये वाले टावल मंगा लेता हूँ, दो मंगा लेते हैं ये टावल, वैसे मेरे ख्याल से पड़े होंगे टावल तो बहुत सारे। सो देन हमारे पास आ जाता है टॉयलेट, सो हम लोग टॉयलेट व्हाइट कलर के लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों का प्राइस 80 और $5 का बोनस है, सो हम लोग ये वाला टॉयलेट मंगा लेते हैं। देन टॉयलेट पेपर, ओके, टॉयलेट पेपर में ओके ये वाले हमने मंगाए नहीं यार, तो ये येलो वाले मंगा लेते हैं, ये पॉटी के कलर के हैं भाई, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, मंगा लेते हैं भाई। सबसे महंगा वाला हीटर, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सो मेरे ख्याल से ये ग्रीन वाला थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला ये मंगा रहा हूँ। अब बारी आ जाती है गाइज पर्दे की, ठीक है, तो कर्टेन यहाँ पर सबसे महंगे कर्टन गाइज ये वाले ही है, जो कि $48 के और 5 का बोनस है इसमें, ठीक है। सो ये दो हमारे मेन विंडो पे लग जाएंगे, देन एक नॉर्मल विंडो है उस पे लग जाएगा, एंड देन शावर के लिए मैं ये वाला मंगा लेता हूँ, ठीक है, एक ब्लू कलर का, यही सबसे महंगा है, एक ये भी है, तो दोनों में से जो भी अच्छा लगेगा वो लगा देंगे हम लोग। सो हम लोग यहाँ पर एक तो चेयर ऐड करने वाले, सबसे महंगी चेयर ये वाली है, सो मैं एक ये चेयर ले रहा हूँ। देन सबसे महंगा सोफा कौन सा है? $60 की ये दो सोफा है जो सबसे महंगे है, ठीक है, तो भाई ये वाला थोड़ा यूनिक लग रहा है, ये पता नहीं भद्दा सा कलर है, ये तो हम लोग नहीं मंगाएंगे, ठीक है भाई। जब तक मैं इतना सामान ऑर्डर कर रहा हूँ, तब तक आप लोग एक एक लाइक कर दो फटाफट से इस वीडियो, अपने को 100 लाइक चाहिए, तो सारे के सारे बंदे लाइक वाला बटन अभी के अभी दबा दो। अभी हम लोग गाइस ऐड कर लेते हैं लैंप, सो रूम लैंप, सारे के सारे रूम लैंप ही हैं। सबसे महंगा ये वाला ही है, मतलब ये और ये है, बट ये वाला उतना पता नहीं क्यों अजीब सा टेढ़ा सा क्यों लगा रखा है, अपने को ये नहीं चाहिए। अपन ये वाला लैंप दो लगा देंगे, एंड देन हम लोग ये वाले लैंप ऐड करेंगे, ये 35 वाला एक लैंप टेबल पे हम लोग रखेंगे, एंड रूम लैंप पे भी हम लोग ना ये वाला रखते हैं, क्योंकि ये महंगा है, सो $35 का ये हो जाएगा। देन गाइज टेबल, टीवी टेबल में तो हम लोग ये वाला मंगाने वाले हैं सबसे महंगा। यार एक सेकेंड भाई, कमरा भर गया पूरा, कमरा नहीं मतलब ट्रक भर गया पूरा, एक सेकेंड रुक जाओ भाई, कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी, ठीक है। टेबल से लेकर हम लोग दोबारा ऑर्डर करेंगे, मैं एक बार इसको ऑर्डर कर देता हूँ। अभी भी हमारे पास बहुत पैसे बचे हुए हैं भाई, अभी हम लोग टेबल पे वापस चलते हैं, टीवी का टेबल ये ऐड करते हैं। मैंने किसी को, मुझे एक सेकेंड रुको, मुझे ना किसी को वेयर हाउस के काम पे लगाना पड़ेगा, ये ऑस्टिन हमारा रेस्ट पे है, इसको मैं वेयर हाउस के काम पे रख देता हूँ, एंड इसको भी वेयर हाउस के काम पे रख देता हूँ, तब तक ये पूरा सामान उतार के रख देंगे अंदर, है ना। चलो भाई अभी हम चलते हैं वापस हमारे इक्विपमेंट्स के अंदर, एंड मैंने टेबल ऐड कर दिया, आई थिंक सो, यस टेबल ऐड कर दिया, इसको ट्रक बड़ा कर देते हैं, इसको फास्ट कर देते हैं। आई थिंक पिछला ऑर्डर मैंने फास्ट नहीं किया यार, वो धीरे धीरे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, मैंने टेबल ऐड कर दिया एक ये,
टीवी का टेबल हो चुका है, उसके बाद एक ड्रेसिंग टेबल। हाँ, हमने आज तक ड्रेसिंग टेबल नहीं लगाया, तो हम लोग एक ड्रेसिंग टेबल ऐड करते हैं। एंड ड्रेसिंग टेबल के साथ ये नॉर्मल वाले टेबल आ गए, तो नॉर्मल टेबल हम लोग ये वाला लगा देंगे सोफा के सामने। डन, इतना इतना काफी है मेरे ख्याल से। और हम लोगों ने एक सिंगल चेयर भी मंगाई है ना, सिंगल चेयर के लिए एक सिंगल टेबल भी चाहिए, तो मैं सिंगल टेबल सबसे महंगा ये वाला है, ये वाला एक सिंगल टेबल मंगा लेते हैं। उसके बाद गाइज डेस्क भी हम लोग लगाने वाले हैं। सबसे महंगा डेस्क $135 का ये वाला है, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ये हम लोग लगाएंगे। और इसके लिए मेरे को एक चेयर भी चाहिए होगी, वो भी हम लोग लगाने वाले हैं। और सबसे महंगा क्लोजेट 90 वाला यही है, तो यही मंगाना पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, अभी बारी है ड्रॉवर लगाने की, तो अपने को ड्रॉवर चाहिए जो हम लोग बेड के साइड में लगाएंगे, दो ड्रॉवर्स। ओके, सबसे महंगे हैं 100 वाले हैं ये चार, इन चारों में से। अबे यार, कोई चोरी कर रहा है भाई, उसको करने दो, छोड़ो भाई, क्या ही ले जाएगा, दो तीन डब्बे लेके जाता है, उससे ज्यादा खर्चा तो मुझे वो बैरल मंगाने में और एसिड मंगाने में लग जाता है। ठीक है, अभी अपन ये वाले ड्रॉवर ले लेते हैं, ये दो ड्रॉवर लगा दूंगा मैं बेड के साइड में। ओके, अभी कैबिनेट्स की बारी है। अच्छा, मेरे को एक चीज देखनी है, मैंने ना चेयर में एक सेकेंड, सीट में ना मैंने एक तो चेयर नहीं मंगाई उसके लिए, हमारा जो एक डेस्क है ना, तो डेस्क के लिए अपने को एक चेयर चाहिए होगी। एक तो मैं ये वाली डेस्क के लिए चेयर मंगा लेता हूँ, एक सेकेंड, ये उतनी अच्छी नहीं है, ये वाली ज़्यादा अच्छी है, 53 की है, सेम बोनस है। और एक मेरे को चाहिए हमारा जो ड्रेसिंग टेबल मंगाया उसके लिए है ना, ड्रेसिंग टेबल के लिए ये वाली चेयर अच्छी है, ड्रेसिंग टेबल की चेयर यही है। ओके ओके, ड्रॉवर्स तक हमारा हो चुका था, अभी हम आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पे। सबसे महंगा एसी का ये वाला यूनिट, सबसे महंगा पंखा आ जाएगा, हर एक चीज लगाने वाले हैं, हर एक चीज। कॉफी मशीन है एक, ये कॉफी मशीन आएगी। एंड फैन में हम लोग ये वाला फैन मंगाएंगे, माइक्रोवेव में ये वाला लगाएंगे, और रेफ्रिजरेटर में सबसे महंगा फ्रिज ये वाला, ये 175 का यही लगेगा। टोस्टर सबसे महंगा ये वाला, टीवी सबसे महंगा ये वाला। सब चीजें भाई एकदम महंगी लगने वाली है यार, मजा ही आ जाएगा। ऑलराइट, अभी हम लोग को कुछ कारपेट चाहिए, वैसे तो कारपेट कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं, बट फिर भी मैं कुछ कारपेट मंगा लेता हूँ, इन केस अगर कुछ कम पड़ गया तो मैं 3-4 ये मंगा के रख लेता हूँ। चलो, अभी अपने को होल्डर लगाना है, बाथ हीटर सबसे पहले नंबर पे आता है, तो सबसे महंगा ये वाला है, वैसे ये और ये है, तो रेड वाला ठीक लग रहा है मेरे को। क्लोथ हैंगर दो हैं, तो मैं ये वाला क्लोथ हैंगर मंगा लेता हूँ। एक टॉयलेट पेपर होल्डर चाहिए, टॉयलेट पेपर होल्डर ये भी 18 का, ये भी 18 का, तो ये गोल्डन वाला सही है, ये गोल्डन वाला लेते हैं। टॉवल रैक सबसे महंगा ये वाला है। ओके, वॉल शेल्फ ये वाली सही है, 40 की सबसे महंगी। बुक शेल्फ में सबसे महंगी बुक शेल्फ ये वाली है, एक मैं ये वाली मंगा लेता हूँ, इसको ऐसी बस डेकोरेशन के लिए यूज करूंगा। अभी अपने को कुछ बुक्स भी चाहिए होंगी, वैसे बुक्स तो मेरे पास पड़ी हुई है मेरे ख्याल से काफी सारी, बट फिर भी मैं बुक्स मंगा लेता हूँ यार, कुछ बुक्स मंगा लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग अगर एक बुक शेल्फ, दो बुक शेल्फ लगा रहे हैं, तो बुक शेल्फ में अंदर जितना भी ये रखेंगे ना, इससे कुछ बोनस तो आ ही रहा है, 50 सेंट का ये सब में बोनस, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, टॉयलेटरी का सामान तो मेरे ख्याल से पड़ा हुआ है, बट सबसे महंगा वाला फिर भी मैं मंगा के रख देता हूँ। सबसे महंगा एयर फ्रेशनर ये वाला है। हैंड सोप में सबसे महंगी ये है लाइफ बॉय की हैंड सोप, एंड माउथ वॉश एक ही है। शैम्पू में सबसे महंगा 4 नंबर का है। शेविंग क्रीम एक ही है, टूथपेस्ट भी एक ही है। चलो भाई, एक्सेसरी में आ जाते हैं। सबसे पहले एक्सेसरी क्लॉक है, और क्लॉक में सबसे महंगी क्लॉक एक ही है हमारे पास। हैंड ड्रायर में ये सबसे महंगा है। देन मिरर हमारे पास आ जाते हैं, कितने, 10 मिरर है ना, तो 10 में से सबसे महंगा 4.5 बोनस वाले ये दो है, तो मैं दोनों को एक एक मंगा रहा हूँ। चलो 4 मंगा लेते हैं, लेट्स गो भाई। अभी हमारा 3000 का ऑर्डर हो चुका है फास्ट डिलीवरी के साथ में, इसको भी ऑर्डर। अरे यार, वो अभी तक डिलीवरी कर रहा है क्या, मुझे उसको वापस भेजना पड़ेगा पहले। यार एक काम करें क्या गाइज, ये तो कार्ड में पड़ा हुआ है, हम लोग ना एक ट्रक बाय करते हैं, सीधा ट्रक ही बाय कर लिया, और एक ये कार्ड भी बाय कर लेते हैं। ठीक है, ये शायद अपने पास सीधी आ जाएगी, पता नहीं। ओके भाई, ऐड प्लेस करने का ऑप्शन आ चुका है, मैं वही देख रहा था कब से कि आया क्यों नहीं ऑप्शन। हमारे पास एक तो ये 150 भाई, 150, और एक हमारे पास है 124 वाली आई थी। अरे बाप रे, 200 वाली भी आई हुई है भाई, नहीं नहीं ये लगी हुई है। अबे ये तो, अरे यार तो कलेक्ट करने के लिए आ रहा है, वेट, एमटी पे जाना है। 125 की आई हुई है ना, तो ये वाली लगाते हैं। लो भाई, इन दोनों को हैंग करना है, बाकी सब रेडी है ना, आई थिंक यस, बाकी की सब रेडी हैं और पेड कर रही हैं प्रॉपर। ट्रक हमारा आ चुका है, अभी शायद से मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, कार्ट में चलते हैं। एंड ट्रक कर दिया, और अरे ये अभी डिलीवरिंग कर रहा है मेरे को उसको, अरे बाप रे कुछ कस्टमर आए हुए हैं। अच्छा, इनसे मुझे चेकआउट लेना है, ठीक है आओ भाई जल्दी चेकआउट करो, क्योंकि मैंने मोटर का तो बंद ही रखा हुआ है। हाँ जी मैडम, आपका 72 घंटे के लिए, बहुत बढ़िया। चलो भाई, लेट्स गो भाई। अच्छा एक चीज़ तो भूल गया भाई मैं, एक मिनट भाई, एक सेकेंड, ये क्या कर दिया था मैंने, गड़बड़ कर दी थी। हमने कमरे की रेनोवेशन का सब मंगा लिया, बट बेसिक चीज़ें तो मंगाई नहीं भाई, जो बेसिक चीज़ें हैं बिल्ड प्लेस भाई, जो एकदम, हाँ इन सब का प्राइस तो सेम ही है। हम लोग गाइस इसमें करने वाले हैं कुछ अलग सी चीज़,
जो हमने किसी कमरे में नहीं करी वैसा कुछ करेंगे। तो हमने इसमें यार फर्नीचर तो सब अलग अलग ही लगा रखा है ना, तो क्या कर लें, क्या ही कर लें अलग। हम लोग ना इस कमरे को एक काम करते हैं, वैसे तो ये कलर हमने जो किया था बहुत बढ़िया लग रहा था ये कलर। एक काम करते हैं, एक वॉल पे हम लोग ये वाला शेल्फ लगाते हैं। मैं मेरे को ये कम नहीं चाहिए भाई कुछ भी करके, ठीक है। एक पे ये लगाते हैं और इसके साथ मैचिंग तो फिर ये वाइट ही आएगा मेरे ख्याल से। तो ये वॉल के लिए मैं ये वाला पैनल मंगा लेता हूँ। एक वॉल पे दो लगेंगे तो तीन है, तीन दूनी छः मंगा लेते हैं, ठीक है। देन फ्लोर कौन सा मंगाना चाहिए भाई? वुडन फ्लोर ही वैसे ज़्यादातर अच्छा लगता है। और इन सब में से मेरे को एक तो ये अच्छा लग रहा है, एक ये अच्छा लग रहा है। यार ये सेम है क्या यार दोनों? पता नहीं, मैं ठीक है एक काम करता हूँ, ये वाला मंगा रहा हूँ, ठीक है। 266 होता है ना ये, और मतलब फ्लोर का अगर चेक करें और वॉल्स का 600 होता है, ये 400 हो जाएगा ना। तो फ्लोर का काम तो इतने में हो ही जाएगा। और बाथरूम के लिए फ्लोर जो लगाना है अपने को, बाथरूम के लिए कौन सा लें भाई? बाथरूम के लिए ये वाला मंगाते हैं। तो बाथरूम तो इतना बड़ा है नहीं, तो ये दो में काम हो जाएगा। देन सीलिंग हम लोग, गाइस सबसे अच्छी सीलिंग कौन सी थी भाई अपनी? सबसे बेस्ट सीलिंग तो ये वाली है, सबसे बढ़िया लगती है ये, शाइनी सी ना। तो ये भी 4 मंगा लेता हूँ मैं। पेंट की तो जरूरत है नहीं। बाथरूम की वॉल नहीं मंगाई मैंने, बाथरूम की वॉल हम लोग मंगा लेते हैं। बाथरूम की एक वॉल पे ये लगा के देखेगा कैसा लगता है, एक ट्राई करते हैं। एक पे ये एंड बाकी पे ये थोड़ी शाइनी सी टाइल लगा के देखते हैं ये कैसी लगती है। 2 4 ही मंगा लेता हूँ यार, मेरे को बाद में कम नहीं चाहिए भाई। ज़्यादा जाएगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है कुछ भी। लेट्स गो। आई थिंक हो गया, इतना ऑर्डर हमने ऐड कर दिया कार्ट में। और अभी ऑर्डर करके देखते हैं। अरे मेरे को पहले वो व्हीकल भेजना पड़ेगा। और एक काम करते हैं, अभी किसी एक छपरी को लगाते हैं हम लोग। किसके लिए? हाउस कीपिंग के लगाते हैं। इनका काम ये कर रही है, इसमें रूम है नहीं ना, इसको भी क्लीनिंग का काम दिया, ये रूम कर रही होगी क्लीन। अरे रुको भाई, इसको हाँ, इसको मैंने खाली रूम्स का काम दिया हुआ है, ठीक है। मैं जरा चल के चेक करता हूँ गाइस, ये लोग सामान उतार दिया या कुछ बचा हुआ है? भाई पूरा खाली कर दिया, इसको वापस भेजना है बस। बहुत बढ़िया काम किया तुम लोगों ने, एकदम गजब। चलो भाई, ये वाली कार्ड मैंने मंगा ली थी, अब ये कार्ड के ऊपर हम लोग सामान रख के लेकर जाएंगे। पहले तो जाकर जो ऑर्डर हमारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है ना, उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। डिलीवरी कार्ड एंड ऑर्डर कर देते हैं, थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर आ जाएगा। एंड तब तक मैंने जो नई जो एड्स लगाई ना भाई, इनको मैं ज़रा प्लेस करके आता हूँ। एक चीज़ मैंने चेक करी जब मैं ऑफलाइन खेल रहा था, अभी जैसे ये वाला है ना, बहुत सारी एड्स का ना ओवरलैपिंग आ रहा था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे ये वाली जगह है ना, तो इसका मैं तुम्हें चेक करता हूँ। ये देखो, ये इसका एरिया है। इस एरिया में अगर कोई दूसरी एड आ जाएगी ना, तो वो वर्क नहीं करेगी, ओवरलैपिंग आ जाता है। तो इसके लिए ये चेक कर करके लगाना, तो इसीलिए मैंने ना इनको ये पोल्स पे लगा दिया है, सो दैट कोई भी एड जो है वो ओवरलैप ना करे। सो मैं इसको इधर लगा देता हूँ, इस वाली को इधर लगा देता हूँ, ठीक है। बस मैं चेक कर लेता हूँ कोई भी ओवरलैप तो नहीं कर रही ना। ओके, नहीं कर रही। सो ये डन है। बाकी हम लोग एक बार कंप्यूटर पे जाकर भी चेक कर सकते हैं ये चीज़ तो। ओके, ये रेडी है भाई, बिल्कुल सही, हमने बिल्कुल परफेक्ट लगा दिया। अब रूम्स रेडी हुए कि नहीं? अरे यार, हाउसकीपिंग ऑन करना भूल गया भाई मैं। यार ये बार बार ऑन करना पड़ता है, जब भी गेम ऑन करते हैं ना उसको। इतनी देर से मैं ऐसी सैलरी दे रहा था भाई। चलो हाउसकीपिंग का काम हो जाएगा। और एक जो वर्कर है ना, वो क्लीनिंग का काम भी नहीं कर रहे, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो भाई, तुम लोग छोड़ो, जो मेन काम है वो मेरे को ही करना पड़ेगा। ये सब जो है ना डब्बे, इनको मैं अपने इस पे प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला आएगा इसके ऊपर। भाई क्या फटाफट कर दिया, 3-4 बंदे लगे हुए हैं खाली करने के लिए, बहुत ही स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं। इनको मैं अंदर रखवा देता हूँ, थोड़ी थोड़ी हेल्प मैं भी कर रहा हूँ इनकी। आई थिंक ट्रक का पूरा सामान उतर चुका है, इसको भेज देते हैं अभी। डन भाई, थैंक्स फॉर डिलीवरी। अभी मैंने पूरा सामान इसके ऊपर रख लिया, और ठीक है भाई इसको भी रख के ले जाते हैं, ये बड़ी कार्ड का ये तो फायदा है। चलो भाई, इसको लेकर जाते हैं धकेल के अपने 10 नंबर कमरे पर। लो भाई, यहाँ पर रोक दे जरा इसको भाई। 5 स्टार भी होने ही वाला है हमारा यार, मोटेल एकदम 5 स्टार होने वाला है, सारी चीजें 5 स्टार हो जाएंगी। मैं चेक कर लूँ जरा, कमरे रेडी कर दिए, 7 नंबर कमरा रेडी हो चुका है। और इसमें क्या बचा है, सिर्फ टॉवल मिसिंग है। चलो ये भी लगा ही देगा। अब तक मैं जरा मोटेल ओपन कर देता हूँ भाई, कस्टमर आएंगे तो उनको जरा कमरा दे देंगे हम लोग। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, फाइनली हमारी रेनोवेशन, कमरा एकदम रेडी। अबे कमरे के अंदर बारिश कैसे आ रही है भाई? अबे छत लीक है क्या? अरे नहीं भाई, ऊपर तो कमरा भी बना हुआ है, दो कमरे यार, कैसे लीक हो रही है ये? पता नहीं भाई क्या ही चल रहा है गेम के अंदर। स्टार्ट करते हैं गाइज, स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग गाइज लगाते हैं कुछ लैंप्स, जिससे कि थोड़ी रोशनी आए कमरे में, जान आए, बाहर आए। देन हम लोग लगाते हैं एक ये वाला लैंप। पहले हम लोग ना 2 लगाते हैं, ये मैंने 2 मंगाए हैं जानबूझ के, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग इसमें रेनोवेशन करना चाहता हूँ। सो ये दूसरा आएगा इधर। अब किचन का नहीं यार, बाथरूम का भी लगा ही देते हैं। बाथरूम में हम लोग एक तो ये लगाने वाले हैं, इसको तो मैं लगा देता हूँ इस साइड। ये हम यहाँ पर हमारा वो आएगा ना, क्या होता है, सिंक बोले, ठीक है। और यहाँ पर इस तरफ जो है, यहाँ पर हम लोग छोटा वाला लाइट लगा देते हैं, ये वाला गोल वाला, ये बढ़िया लगता है। इसको हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं भाई, एकदम बढ़िया रोशनी हो जाएगी कमरे में। लेट्स गो भाई, बहुत बढ़िया, सही है, एकदम शानदार, जबरदस्त।
चलो सबसे पहले हम लोग गाइस फ्लोर से शुरू करते हैं। तो मैंने बेडरूम का जो फ्लोर मंगाया वो मंगाया ये वाला। तो ये तीन चारों डब्बे एक बार में उठा लेता हूँ मैं एंड इनको सीधा प्लेस करते हैं। इधर भी लग गया और यहाँ से पूरा कमरे में लग जाएगा शायद एक बार में। चलो भाई, वैसे एक कस्टमर आ चुका है हमारे ऑफिस के अंदर, उसको थोड़ी देर में देखते हैं क्योंकि अभी दो कस्टमर है, पाँच छः हो जाएंगे जब तब जाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी इसको मैं वापस रख देता हूँ। ओके, अभी अपने को लगाना है सीलिंग। पहले लगा दें क्या? पहले सीलिंग लगा दें, मेरे ख्याल से तीन में सीलिंग भी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। और ये भाई हमारी सीलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, सीलिंग एंड फ्लोर का काम खत्म, इसको भी रखते हैं वापस। अब आती है गाइस बारी हमारे वॉल्स की। ठीक है, सो मैं पहले ना जिस तरीके की मैंने वॉल्स का सोचा है उसी तरीके से बनाएंगे हम लोग। सो ये हमारी एक मेन वॉल पे रहने वाला है। हम लोग बेड किस साइड लगाएंगे गाइस इसमें? मेरे ख्याल से ये वॉल यहाँ पर भी सही नहीं रहेगा क्योंकि इधर बेड का आ जाएगा, तो अपने को इस तरफ ही बेड लगाना पड़ेगा। सो ये वाली हमारी मेन वॉल रहने वाली है, इसके ऊपर हम लोग ये वाला लगा देते हैं। डन भाई, मेन वॉल हमारी डन है, इसको मैं रखता हूँ बाहर। अभी अपने को लगानी है बाकी की वॉल्स। सो पहले तो इस वॉल से शुरू करते हैं। ठीक है, बढ़िया वॉलपेपर, बहुत सही है ये, एकदम सोबर सा है, एकदम मस्त लगता है ये। ऐसे बल्क में ऑर्डर करके जब रेनोवेट करते हैं ना भाई, तो दिक्कत नहीं आती यार, नहीं तो हर बार साला कभी ना कभी सामान कुछ ना कुछ खत्म ही रहता था। अब देखो चार चार डब्बे एक साथ उठाए हुए हैं, दिक्कत ही पैदा नहीं होती, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई चीज़ हमारी खत्म हो जाएगी। लो भाई, एक ही बार में पूरा कमरा रेनोवेट हो चुका है, मतलब बेसिक काम तो हमने कर ही दिया कमरे के अंदर। अब मैं इनको रखता हूँ इस पे वापस, लेट्स गो, ये हो गया। अब चलते हैं हमारे बाथरूम की ओर। सो बाथरूम का जो मैंने फ्लोर मंगाया है, एक सेकेंड, आई थिंक ये वाला, ये क्या मंगाया मैंने, एक मिनट, ये तो मुझे याद है, ये तो मैंने मंगाया हमारी ये वाली वॉल जो हमारे सिंक वाली वॉल है ना, सिंक नहीं बाथटब वाली। डन, अब इसमें से यार एक मिनट भाई, ये वाली क्या ये वॉल है मेरे ख्याल से, मैंने क्या कर दिया भाई मेरे ख्याल से, तो हाँ वॉल ही है, सही है। सो ये वॉल इधर, ये वॉल इधर, अरे खत्म हो गई। ठीक है, थोड़ा सा डार्क होने वाला है अपना ये कमरा, को लगा देते हैं इधर। ठीक है भाई, ओके नाइस, थोड़ा सा अलग यूनिक सा तो लग रहा है हमारा बाथरूम, हमने ऐसा नहीं किया है कभी भी। तो इनको मैं वापस रखता हूँ इसके ऊपर। अभी ये दोनों क्या है भाई? ठीक है, ये फ्लोर मंगाया मैंने, बहुत बढ़िया, ये सही किया मैंने। अब बचा है भाई, कितने पैसे कट गए अबे मुझे उन सब के, एक मिनट भाई, अरे बाप रे क्या पैसा जा रहा भाई उनको, और नौ नौ कस्टमर भी आ गए, मैं तो भूल गया था भाई, और आए जा रहे हैं। लियो 15-20 होने वाले हैं, इसको मैं वेट फॉर, इसको चाहिए ना, इसको होल्ड ऑन करते हैं, इसको भेज देते हैं, नो रूम अवेलेबल करते हैं, 72 नहीं, हम लोग सीधा 92 घंटे के लिए देंगे। और मैं मोटर फिलहाल बंद करता हूँ, कमरे रेडी है ना, 7 और 8 कमरा रेडी है। और पहले मैं मैनेजमेंट में जाके भाई स्टाफ को जो वेयर हाउस पे लगे हुए हैं ना उनको रेस्टिंग पे डालता हूँ। तू भाई वेयर हाउस पे, ये अकेली संभाल लेती है। सो बाकी सबको मैं, इसको भी रेस्टिंग पे डाल रहा हूँ, ये क्लीनिंग कर रही है, बाकी सब रेस्टिंग पे है। हाउसकीपिंग का काम औरों कर रहा है, औरों को भी रेस्टिंग पे डालता हूँ क्योंकि अभी हाउसकीपिंग का भी जरूरत है नहीं ना यार। ये रूम क्लीन नहीं कर रही है, देखो अभी भी डर्टी है, बट ठीक है थोड़ा सा तो अभी रेंट पे तो दे ही सकते हैं। नो रूम अवेलेबल ब्रो, अपन सीधा देंगे भाई कमरा ज़्यादा पैसे वाले बंदे को, मतलब जिसको ज़्यादा घंटे के लिए चाहिए। 96, बहुत बढ़िया, ये लो कमरा, $650 अंदर करो भाई जल्दी से, मेरे को देखना, मेरे को ऐड से भाई एक ही बार में 2400 भाई, ऐड से कितना पैसा आ रहा है, और ऐड आ गई भाई। लो 65 वाली ऐड लगाएंगे महंगी, और दूसरी महंगी कौन सी है, 65 यही लगाएंगे भाई, क्या पैसा आ रहा है भाई इससे। ओके 96, लो भाई होल्ड ऑन फॉर अ मिनट करते हैं, मुझे चेक करना है कि अगर कोई बंदा दो बंदों के लिए 96 आवर के लिए लोगा लेगा तो उसको कितना पैसा मिलता है। ओके भाई, तो एक ही बंदा आया था जिसको वन बेड वाले 96 के लिए चाहिए, तो इसको हम लोग ये कमरा दे देते हैं। ले भाई 655 आ गए, और मैं ये क्या देख रहा हूँ हमारी शॉप के ऊपर भाई 6-6 कस्टमर वेटिंग में है, बहुत बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही है ये। तो मुझे लग रहा है अपने को एक और वो लगा देना चाहिए, ये 6-5 कस्टमर ही रह रहे हैं हर बार, तो अपने को एक और लगाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको उठाते हैं, वैसे भी मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़ा ही हुआ है, लेके रखा था मैंने, बीच में मुझे लग रहा था कि एक्स्ट्रा पैसे मुझे देने पड़ रहे हैं इनको। सो हम लोग एक काम करते हैं, इस वाले काउंटर को यहाँ पर लगा देते हैं। आओ भाई, ये देखो सब लोग वेटिंग में खड़े हुए हैं, और फटाफट से जाके मैं चेकआउट के लिए एक और बंदे को लगा देता हूँ, पर मुझे कुछ खाना है भाई उससे पहले। चलो एनर्जी हमारी बढ़ गई, अब तेज तेज भाग रहा हूँ, पहले तो मैं चल ही नहीं पा रहा था भाई। हम एक काम करते हैं, ऑस्टिन को लगा देते हैं कैश काउंटर 2 पे। चल भाई ऑस्टिन जाकर थोड़ी मदद कर यार, क्योंकि 9-9 कस्टमर हो गए भाई लाइन में शॉप पे। हम लोग तब तक जाते हैं भाई अपने काम पे, एक सेकंड, अपने दो एड्स और आई है ना, तो मैं दो एड्स को भी प्लेस कर ही देता हूँ भाई, इन दोनों को भी उठाते हैं। इस एड को यहाँ पर लगा देते हैं, एंड एक एड यहाँ पर लगी हुई है ऑलरेडी ना, एक को इस पे लगा देते हैं क्योंकि पोल हमारे पास काफी है। अरे ये टेढ़ी क्यों लग रही है, ये वाले भी टेढ़ी लग गई ना शायद, इसको भी सीधा करके लगाते हैं भाई। चलो ठीक है भाई, एड्स प्रॉपर वर्क कर रही है, और $2400 फिर से आ गए भाई। एक मिनट, ये कस्टमर क्यों आ गई? चलो ये चेकआउट करने आई होगी, चलो भाई इससे चेकआउट ले लेते हैं, और रियान को बोल देते हैं हाउसकीपिंग करने के लिए। मेरे को लग रहा है कमरों से ज्यादा पैसा तो अपने को एड्स से आ रहा है भाई। ठीक है, हम लोगों ने भाई कमरा बेसिक कर दिया, और छत बच गई ना सिर्फ हमारे बेड बाथरूम की।
बाथरूम की छत पे आई थिंक ये हो जाएगा भाई, बाथरूम की छत पे ये वाली लगानी पड़ेगी अपने को, ठीक है। सो सेम जो हमने बेडरूम में लगाई है ये वाली ही लगा देते हैं बाथरूम में भी, एंड इसको चलते हैं वापस बाहर रखने। अभी हम लोग रेनोवेशन शुरू कर सकते हैं क्योंकि बेसिक काम तो हमने कर ही दिया। इस बार हम लोगों ने सामान बिल्कुल प्रॉपर मंगाया था भाई, कोई भी चीज की कमी नहीं पड़ी अपने को, ठीक है। सो सबसे पहले दरवाजों से शुरू करते हैं, ये पहला दरवाजा एंड ये हमारा हो जाएगा दूसरा दरवाजा, डन दोनों दरवाजे। उसके पहले मैं एक काम करता हूं, मुझे ना कारपेट लगाने हैं, कारपेट बाद में लगाएंगे, पहले बेड बेड से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमारा ये बेड, ये आ जाएगा कुछ यहाँ पर, मैं सोच रहा था उस तरफ मैं डेस्क लगा दूँ, पहले मुझे इसका हीटर देखना पड़ेगा यार, रुको हीटर लगाते हैं पहले, ये किस तरफ लगता है, उस तरफ लगता है ना, ठीक है हमारे पास जगह है काफ़ी। अभी बेडशीट, सो ये वाली बेडशीट चाहिए अपने को, एक ये और दूसरी बेडशीट भी ये वाली, इन दोनों को बिछाते हैं ऐसे। देन ब्लैंकेट हमारे पास ये वाला ही है, सबसे महंगा वाला ही है ये दो ब्लैंकेट। चलो भाई ब्लैंकेट डन। देन आ जाते हैं पिलो, तो हमने ये महंगे वाले पिलो मंगाए हुए हैं ये वाले, और ये हमारा दूसरा पिलो। ओके बेड का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ब्लैंकेट तक आ गया, पिलो आ गया, डोर आ गए हैं, सीलिंग लैंप हमने लगा दिए हैं, बाथटब। चलो भाई लाइन से ही लगाते जाएंगे हम लोग चीज़ें जैसे जैसे आती जाएंगी। देन बारी है सिंक लगाने की, जो सिंक आ जाएगा यहाँ पर। टावल भाई, पहले ही टावल कहाँ से आ गया, ठीक है टावल मैं एक बार के लिए रख देता हूँ ऐसी। देन टॉयलेट सीट, टॉयलेट सीट भी लग चुकी है अपनी, बट टॉयलेट पेपर पहले ही, टॉयलेट पेपर एक एक्स्ट्रा लेके रख देता हूँ मैं, वैसे टॉयलेट पेपर का अपने को वो लगाना हुआ है। चलो भाई बेसिक सामान आ चुका है गाइस, अभी कर्टेंस की बारी है। सो हमारे पास कर्टेन यहाँ पर, मेरे ख्याल से ये वाला कर्टेन बढ़िया लगेगा, तो ये कर्टेन लगा देते हैं। बाथरूम में एक ही कर्टेन लगता है यार, दो कर्टेन लगते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे मेन कमरे के अंदर कर्टेन लगा देते हैं हम लोग, तो एक यहाँ पर ये वाला, दूसरा वाला इधर, ये कर्टेन डन। अब यहाँ पर सिंगल कर्टेन चाहिए अपने को, सिंगल वाला कर्टेन हम लोग ये वाला लगा देते हैं, डन हो गए कर्टेन वगैरह। ओके अभी अपने को लगानी है गाइस चेयर्स, एक तो सोफ़ा लगाना है सबसे पहले, सोफ़ा मेरे ख्याल से ना अपने को सामने की तरफ से अपने को टीवी लगाना है, ठीक है तो उधर तो सही नहीं लगेगा, सो अपने को ये लगाना होगा यहाँ पर। यार ये एक बंदा ना कब से मेरे को लग रहा है यहाँ पर फंस गया, या तो किसी को देख रहा है भाई, ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा, इसको गन मार दूंगा गोली तेरी भैंस के, निकल यहाँ से। ये कब से भाई इधर देखे जा रहा है, कोई इसकी मशूका ही हुई है क्या अंदर, यानी क्या चक्कर है इसका। हाँ जी मैडम चेकआउट। ओके देन अपने को ये वाली एक चेयर लगानी है, मैं सोच रहा हूँ इस तरफ हम लोग लगाएंगे यार अपना जो ऑफिस है ना, सो मैं चेयर को एक बार यहाँ रख देता हूँ। देन अपना एक ये वाला भी है सीट में, और एक ये वाला झूला टाइप कुछ है, सो इसको मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ फिलहाल। देन हमारे रूम लैंप हैं, तो एक तो हम लगाने वाले हैं इसको ये कॉर्नर में, ये रूम लैंप मैंने दो मंगाए ना शायद से, ये दो है अपने पास, सो एक मैं लगाने वाला हूँ इस वाले कॉर्नर में, या तो इस कॉर्नर में से रहेगा। बाकी ये वाले लैंप हैं, मैं सोच रहा था कुछ बाथरूम में यूज़ किए जाएँ, पर बाथरूम में इनका उतना यूज़ है लग नहीं रहा मुझे फिलहाल, मैं इनको बेड के साइड में लगा रहा हूँ, कुछ इस जगह पर लगाने वाला हूँ इनको। रूम लैंप हो चुके हैं वैसे, बाकी के रूम लैंप भी मैं एक बार रख देता हूँ यार, बाद में भूल जाते हैं हम लोग, सो मैं जितने भी रूम लैंप मैंने मंगाए थे ना, तो मैं इनको एक बार मंगा के रख रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैं यूज़ करने वाला हूँ, और बाकी ये दो हम लोग को यूज़ अभी नहीं आने वाले। सो सबसे पहले अभी टीवी का जो ये है, एक सेकंड भाई यहाँ पर तो टीवी का ये लग नहीं पाएगा ना, तो एक काम करता हूँ मैं, टीवी हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं इस जगह पे। देन हमारा एक ये हो जाएगा सोफ़ा का टेबल, एक हमारा ये ड्रेसिंग टेबल का हमने मंगाया था, इसको एक बार मैं ऐसे रख रहा हूँ भाई मेरे को, क्योंकि ये लगाना तो है बट मुझे देखना पड़ेगा ये कहाँ पर आएगा। देन हमारा ये एक टेबल है जिस पे हम लोग को काम करना है, काम करने के लिए हमने मंगाया हमने इसको, मैं सोफ़ा के पास ये हमारी विंडो के पास रखने वाला हूँ यहाँ पर, और इसकी जो चेयर है अब हम इसको प्लेस करके रख सकते हैं इसके सामने, ये चेयर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब क्लोजेट की बारी है, सो क्लोजेट तो मेरे पास जो ये क्लोजेट कैसा है भाई, ये कॉर्नर वाला ही क्लोजेट है ना, ये कॉर्नर में ही सेट रहेगा, इसी कॉर्नर में, और कोई भी जगह नहीं है इस वाले क्लोजेट के लिए। क्लोजेट भी डन हो गया, डेस्क भी डन हो गए। अभी बारी है ड्रॉर्स की, सो ये वाले ड्रॉर्स मैंने मंगाए हैं हमारे बेड के लिए, तो ये दोनों बेड के साइड में आ जाएंगे। इस चेयर को एक बार इधर रखते हैं, ये वाला ड्रॉअर आ जाएगा बेड के इस साइड में, और इसके लिए मैंने जो लैंप मंगाए हैं, ये लैंप हालांकि उतने अच्छे नहीं लग रहे बट यही मंगाने महंगे सबसे यही थे ना, और कुछ अलग रखना था तो ये वाले लैंप ही लगा देते हैं अपन। चलो अभी बारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की, सो एक तो पंखा लगा देते हैं हम लोग, दोनों के बीच में कहीं पंखा आ जाएगा, ये बिल्कुल सेंटर है भाई, ठीक है ये हो चुका है। एक ये वाला फ़ैन है, इसको हम लोग कहाँ पर रखें भाई, इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग टीवी का भी लगाने वाले हैं, सो दोनों प्लग में एक एक चीज़ आ जाएगी। देन हमारा ये वाला माइक्रोवेव, माइक्रोवेव किसके रखे भाई, इसके ऊपर रख देते हैं माइक्रोवेव को ना, ये इसका यूनिट। हम लोग बेड के पीछे लगाने वाले हैं ना इसी इस बार, ठीक है सो मैं इसको पीछे से जाके लगा के आ जाता हूँ। हमारा ये वाला है बाथरूम का, सो हमारा बेड यहाँ कहीं है, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, मेरे ख्याल से ये इतना ही हाइट पे है। अब हम लोग इसका एसी फिट कर देते हैं बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर, ठीक है एसी भी हो चुका है। अब बारी है टीवी लगाने की, तो टीवी आ जाएगा हमारा ये वाले डेस्क के बिल्कुल सेंटर में कुछ इस जगह पे। टीवी भाई ये वाला सबसे बड़ा है, हम लोगों ने शायद इतना बड़ा टीवी अभी तक लगाया नहीं है,
अभी भाई फ्रिज हमारा बहुत बड़ा है, तो अगर हम फ्रिज को एंट्री पे तो अच्छा नहीं लगेगा यार फ्रिज। एक सेकेंड, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर फ्रिज सही रहेगा। ओके, देन एक टोस्टर है और एक कॉफ़ी मशीन है। भाई इनको तो फिर इस पे रखना पड़ेगा, कॉफ़ी मशीन को तो हम लोग इस पे रख देते हैं। हमारा एक टोस्टर है, ये टोस्टर को भी इसके ऊपर ही रख देते हैं, ये वाले डेस्क के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सारी लग चुकी है, अभी कारपेट्स लगाने की बारी है गाइस। एक तो ये रंग बिरंगा कारपेट है, तो बेड के सामने रख देता हूँ यहाँ पर। और ये टेबल भाई प्रॉपर रख देते हैं इसको हमारे सोफ़ा के सामने। और ये वाला डेस्क अभी अपने को इसका फिगर आउट करना है कि अपने को इसको कहाँ पे लगाना है। मेरे ख्याल से हम लोग, ये रहा, मैं इसको ही ढूंढ रहा था भाई, ये कहाँ चला गया। इसको हम लोग ना, ये सीधा इधर से, मैं वही सोचूँ इसके वो कुंडे उंडे किधर गए भाई। इसको हम लोग टीवी के साइड में लगाते हैं, और ये जो है इसको बैठने वाला यहाँ पर, मस्त बंदा यहाँ पर करेगा अपनी तैयारी वगैरह, जो भी तैयार व्यार होना होता है। और इसका जो मिरर है ऐसे लगा देते हैं, ठीक है भाई। ये स्विच बीच में आ गई इसके, क्या करें भाई, स्विच को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, सो ऐसे रहेगा ये। तो अभी हम लोग बाकी के एक्सेसरी ऐड करते हैं गाइस। बाकी सबसे महंगा वाला मिरर हमारा, एक सेकेंड, सबसे 4.5 वाला ये है ना, 4.5 वाला एक ये है और ये है, ठीक है। ये वाला मिरर हम लोग लगाते हैं हमारे बाथरूम में, एक ही आएगा, इसको सेंटर में करके लगा देते हैं, ठीक है। और जो सीलिंग लैंप है, मैं ये वाला इसके ऊपर नहीं लगा सकते यार। रूम लैम्प ये वाला जो है ना, इसको मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, थोड़ी बहुत रोशनी हो रही है बट ठीक है यार। एंड हमारा ये वाला हैंड ड्रायर, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ये हो चुका है इतना, कारपेट कारपेट अभी बाद में लगाते हैं, अभी होल्डर ऐड कर देते हैं। एक तो वॉक वॉल शेल्फ है ये वाली, इसको भाई यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं, इस पर टॉयलेटरी वगैरह ऐड हो जाएगी। एंड देन हमारा ये वाला टॉयलेट का, इसको इस पर रख के मैं अटैच कर देता हूँ, टॉयलेट पेपर भी आ चुका है। देन हमारा टॉवल रैक को यहाँ पर रख देते हैं, और टॉयलेट, सॉरी एक क्या बोल रहा हूँ मैं, टावल, टावल को इस पे लगाते हैं। अबे ये उल्टा लग जाता है हर बार यार। चलो भाई सही है, अब अपने को यहाँ पर एक क्लॉथ हैंगर चाहिए। मैं ये क्लॉथ हैंगर ना इस तरफ रख देता हूँ, इस पे बंदा अपने टावल वगैरह जो भी कपड़े वपड़े वो टांग के रख सकता है, ठीक है। और ये हमारा एक बाथ का हीटर है, इसको भाई कहाँ पर लगाएं, ये यहाँ पर ही लग रहा है, ये और तो कहीं पर आ नहीं रहा। डन है, अभी बुक शेल्फ वगैरह की बारी है। बुक शेल्फ वैसे होना तो यहाँ पर चाहिए बट यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो मैं बुक शेल्फ को एक बार के लिए यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, इस जगह पर। एंड बुक शेल्फ एक और मंगाई है मैंने, दो बुक शेल्फ मंगाई है ना, एक ये वाली है, तो इसको रोटेट करके हम लोग, अब ये जो लैंप वैम्प है भाई इनको सेट करके लगाता हूँ मैं। ये लैंप इसके ऊपर आना था। एंड और हमारा क्या बचा है, एक ये वाला चेयर बचा हुआ ना, इसको मैं लगाता हूँ इस तरफ। वैसे होना तो ये बुक की तरफ ही चाहिए, तो मैं इसको ना इसलिए बुक्स की तरफ मुँह करके इसको रखना चाहता हूँ, सो दैट जो भी बंदा है यहाँ पर बैठ के बुक्स वगैरह पढ़ सके। और ये टेबल जो हमारा है, ये हमारा इसी के लिए है, सो दैट इस पे रख के बुक्स वगैरह पढ़ सके बंदा आराम से, ठीक है। अब ये हमारा बचा हुआ ये, इसको कहाँ पर रखें भाई, पहले तो हम लोग उस पे रख देते थे यार इसको, ठीक है। टीवी थोड़ा ऊपर कर दूंगा मैं, इसको इसके ऊपर रख के मैं टीवी थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, सो दैट ये बीच में ना आए, ठीक है। इसको सेंटर में लगा देते हैं, डन हो गया भाई। पूरा सामान हमने सेट करके कमरे में लगा दिया है, सब चीज़ें एकदम परफेक्ट जगह पर हैं। एक्सेसरी में अभी क्लॉक वगैरह बची हुई है, सो हम लोग एक तो ये वाली क्लॉक, ये उल्टी है ना, ये वाली क्लॉक को हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर। बाकी एक ये क्लॉक है, इसको मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, सामने की तरफ भी एक क्लॉक हो जाएगी। अभी भाई सिर्फ बची हुई है चीज़ें फोटोज वगैरह एंड प्लांट्स वगैरह, ओके। बाकी सब तो सेट है, कारपेट वगैरह ऐड करने हैं भाई। ये रूम लैंप वगैरह भी बचे हुए हैं, इसको मैं इस वाले मिरर पर लगाता हूँ। ये वाला रैक, एक हमारा है कारपेट छोटा सा, इसको इधर रख देता हूँ। एक को हम लोग इस तरफ रख देते हैं, हमारे बाथरूम से बाहर आते टाइम पैर वैर साफ कर लेगा। और एक बाथटब के बाहर चाहिए, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा वाला रख देता हूँ, यहाँ पर भी हो गया, ठीक है भाई। पूरा सामान हमने सेट करके लगा दिया एकदम। एक बार पूरी में नज़र मार लेता हूँ, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है ना। एक हम लोग ये ऐड कर सकते हैं कारपेट, एक बार टेबल हटा के इसके नीचे लगा देता हूँ, और शायद से टेबल इसके ऊपर, अरे बाप रे बेड ही हिल गया पूरा भाई। ये टेबल प्रॉपर आ जाता है यार इसके ऊपर, बट कारपेट का पता नहीं क्या सीन है, मतलब बेड का पता नहीं क्या सीन है। ये टेबल देखो कारपेट के ऊपर आ गया, अब बेड लगा के मैं कारपेट लगाना चाहता हूँ तो वो पता नहीं लगता नहीं है, कोई सीन है भाई। चलो ठीक है, इतना हमारा हो चुका है। अभी अपने को ना पहले तो एक काम करते हैं, होल्डर वगैरह ऐड करने हैं। अपने को जो होगा, एक दो तीन, ठीक है, तीन एंड चार, आई थिंक चार ही चाहिए ना, फ्रिज के लिए भी चाहिए पांच। अपने को पांच होल्डर चाहिए होंगे। मैं फटाफट भाग के भाई होल्डर उठा के ले आता हूँ। और भाई कुछ कस्टमर आए हुए हैं, आई थिंक ये चेकआउट के लिए आए हुए हैं। लो भाई कमरा की चाबी दो फटाफट। ओके, हमारे पास कुछ कमरे खाली हो चुके हैं भाई, ठीक है, इनको खाली रहने देते हैं, अभी मैं मोटल ओपन नहीं करूँगा।
तो मैंने यहाँ पर ये मगा के रखे हुए थे डबल वाले की जरूरत है कि नहीं पता नहीं। चलो मैंने ये प्लग उठा लिए भाई, पांच पांच इनको जाके लगाते हैं फटाफट। सो ये पहला डबल वाला है ना, जो इसको मैं इधर लगाता हूँ सो दैट इस पर ये दोनों चीज़ें, ठीक है। देन हमारा एक ये फैन का हो जाएगा यहाँ पर, हमारा फ्रिज का सिंगल सिंगल ही लगा रहा हूँ मैं जानबूझ के, क्योंकि तारे वारे भाई मेरे को इधर उधर बिखरी हुई नहीं चाहिए। ये आ जाएगा यहाँ पर। एसी मैंने उल्टा लगा दिया भाई, इसीलिए मैं सोचूं ये ऐसा क्यों आ रहा है। एसी को इसके बाजू में लगा के इसका भी प्लग कर देते हैं फिट, और फिर हमारा फ्रिज बच गया, फ्रिज का भी प्लग लगा दिया। सारे के सारे प्लग भी लग चुके हैं गाइस, टीवी वगैरह का, और इन दोनों का मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। पांचों की पांचों चीज़ें हमने प्लग इन कर दी हैं। अभी हम लोग गाइस इसमें डेकोरेशन का सामान ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास एक तो ये वाली दो फोटोज़ हैं, दो दो फोटोज़ तो क्या करेंगे लगा के, और इतनी जगह भी तो नहीं है हमारे पास। एक मैं इधर लगा देता हूँ ये फोटो, दूसरी फोटो के लिए यहाँ पर जगह नहीं है भाई, इस तरफ जगह है तो मैं इसको इधर लगाता हूँ। पर मैं नहीं, इसको नहीं लगाऊंगा इधर, इसको ना मैं इस कमरे के, अरे बाप रे ये कमरा खुला हुआ है, 9 नंबर, ठीक है 9 नंबर में ऐड कर देते हैं। अरे बंद हो गया भाई, अबे मैं इसमें फोटो लगाने जा रहा था भाई, कमरा बंद कर दिया उसने मेरे को देख के। हमारे ऑफिस के बाहर बहुत सारी डेकोरेशन का सामान मैंने मंगा के रखा हुआ है, तो उसको उठा के लेकर आते हैं और कमरे में ऐड करते हैं। और साथ में ही मैडम आई हुई है, इनसे चेकआउट ले लेते हैं 9 नंबर कमरे का। अबे मैं 9 नंबर कमरे में जा रहा था भाई, चाबी नहीं थी मेरे पास इसलिए घुसने नहीं दे रहे थे मेरे, ठीक है। हमारे कमरे काफी हद तक रेडी हो ही रखे हैं। 10 नंबर कमरा जो है उसमें बस मुझे चेक करना है, सब चीजें लगी हुई ना, बिल्कुल सब चीजें लगी हुई है भाई, कुछ भी ऐसा नॉन वर्किंग में नहीं है, बहुत कुछ लगा हुआ है। आई थिंक हाईएस्ट बोनस है हमारा $268 का भाई, $268 का सिर्फ, बाप रे बहुत कमाई होने वाली इस कमरे से अपने को। तो ठीक है मैं इसके ऊपर भाई ये सामान रख के लेकर जा रहा हूँ। एक ये भाई डस्टबिन भूल गए थे हम लोग, ठीक है डस्टबिन अच्छा हुआ हमने मंगा के रखा हुआ है यहाँ पे। बाकी आधा सामान इस वाली क्रेट पे रखा हुआ है, और ये फ्लावर वगैरह रख लेते हैं। मेजर सामान मैंने छोटे वाली क्रेट पे रख दिया, तो इसको लेके चलते हैं और करते हैं अपने कमरे में थोड़ी सी डेकोरेशन कर देते हैं, बस रेनोवेशन हो चुकी है डेकोरेशन बची हुई है। तो ये वाली दो फोटोज़ में मेरे ख्याल से अपना काम तमाम हो जाएगा। ये फ़ोटो को लगाते हैं इस साइड, एंड हमारे पास एक फ़ोटो की जगह बची हुई है, इसको मैं इसके बीच में लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें बुक्स वगैरह भूल गए भाई हम लोग ऐड करना, मैं एक बार स्टार्टिंग से चेक करता हूँ कुछ चीज़ मिसिंग नहीं है ना। ये लैंप वैम्प बचे हुए हैं यार, इनको लगा दूँ क्या कहीं पर, अच्छे नहीं लगेंगे यहाँ पर लगे हुए, दिक्कत ही है। एक काम कर सकते थे, कॉर्नर में ऑलरेडी लैंप है और इधर भी लैंप लगे हुए हैं, रहने देते हैं लैंप। चलो भाई बुक्स ऐड करते हैं फटाफट, बुक्स ही बची हुई हैं, बाकी सब तो हो गया है। हर एक सेक्शन में एक एक बुक रख देते हैं, उतना इनफ है। इधर हो गई हैं 4 बुक्स, एंड देन हमारा ये वाला एरिया। चलो भाई बुक्स वगैरह भी रख दी हमने, पूरा का पूरा कमरा गाइज रेनोवेट हो चुका है। अब तुम्हें इस कमरे को रेनोवेट मतलब रेट करना भाई, आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग दोगे, ठीक है। सारे बंदे रेटिंग कर देना याद से कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। बाकी भाई कमरा हो चुका है रेनोवेट, अब चलते हैं, इसको करते हैं बंद, इसको करते हैं बंद, ओके लेट्स गो। इसको पढ़ाने दे इधर ही, थोड़ा सा कॉर्नर में कर दे। अरे प्लांट्स रह गए यार, एक सेकंड भाई प्लांट्स तो रह गए, ये वाला प्लांट, ये छोटा वाला, ये और ये, इतने प्लांट रख देते हैं बस इनफ हो। एक तो ये बड़ा वाला जो प्लांट है इसको मैं रखता हूँ इधर यहाँ पर, ये छोटा वाला ये तो अच्छा नहीं लग रहा, इसको इस पर रखते हैं, ये वाला आ जाएगा इसके ऊपर, और ये वाला कहाँ पर और जगह है, इस पर रख देते हैं। ओके भाई प्लांट्स भी हो गए हमारे, चलो अभी चलते हैं। अभी फाइनली हमारा कमरा गाइस पूरा रेनोवेट हो चुका है, डस्टबिन भी रह गया था भाई, मेन चीज़ डस्टबिन बच गया था यार, अकेला तो अब डस्टबिन चीज़ ही बची थी। इसको इधर लगा देते हैं, अब डन है भाई, फाइनली बिल्कुल डन है कमरा। थक गया भाई मैं, फ्यूल बिल्कुल कम बच गया भाई, फ्यूल ऑर्डर करो फटाफट। ले भाई फुल ऑर्डर कर दिया फ्यूल का, तो एड्स में कुछ पैसा हुआ, अरे एड में पैसा ही नहीं हो रहा भाई, 1300 ही बन रहे हैं अभी तक, ठीक है। कमरे हमारे भाई बिल्कुल रेडी कर दिए हैं हमारे जो बंदे ने, ठीक है। 10 नंबर कमरा मुझे इसमें वो बची हुई है टॉयलेटरी का सामान, वो ऐड कर देगा फिलहाल के लिए। और 277 भाई, 277, 300 भी जा सकता है अगर कुछ कुछ सामान और कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं अभी कुछ ऐड कर पाएंगे यार, मैक्सिमम हमने कर दिया है भाई, ठीक है। तो तुम लोग बता देना कुछ चीज़ बची हुई है, और फिलहाल हमारे सारे के सारे कमरे भी बचे हुए हैं। और पॉपुलैरिटी हमारे मोटेल की भाई चेक करो, तुम लोग ये चेक करो मोटेल भाई, 5 स्टार उधर देखो, 5 के 5 स्टार भाई मोटेल में, क्या बात है। और हमारा जो शॉप है मैं शॉप भी चेक कर लेता हूँ, मुझे कुछ खाना भी एक्चुअली, तो वो भी चेक कर लेते हैं भाई। सामान ख़त्म हो रहा क्या हमारे मोटेल में शॉप में, पैसे कितने कमाए, अरे बाप रे $5000 भाई, ए भाई साहब 14000 तो हो भी गए। मैं कुछ सामान खा लूँ भाई एक मिनट ज़रा भाई, 14000, और अभी तो मैंने इधर से कलेक्ट नहीं करे, यहाँ पर कितने हैं, लियो
लो भाई, अबे सैलरी भी घट गई साथ में, इधर भी 500, लो 400, 290, 200। तो भाई साहब $18,000 ऐसे हो गया, और हमारे सारे कमरे अभी खाली हैं। जब कमरों को रेनोवेट करूंगा तो भाई तब देखना, लो एक और कमरा खाली होके आ गया। चलो भाई ये कमरे का भी वो कर देगा काम, मैंने किसी को फालतू काम पे तो नहीं लगा रखा ना। हाउसकीपिंग कर रहा है, वेयर हाउस कर रहा है, गैस स्टेशन पे दो बंदे हैं, नहीं गैस स्टेशन पे एक ही बंदा है, बाकी सब रेस्टिंग है। ये रेस्टिंग पे क्यों है, इसको क्लीनिंग पे लगाना है ना। अब ठीक है भाई, सभी बंदे प्रॉपर काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अपने को वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कमरे देखो भाई, इन सबको मैं इधर लटका देता हूँ भाई, इधर भी चाबियां पड़ी हुई, कितनी सही लग रही है ना गाइज। ठीक है, तो आज के एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में गाइज आप लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए, कुछ चैलेंज दो मुझे इस गेम में, अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई ये चैलेंज करो। सो हम लोग फिर वो चैलेंज को एक चैलेंज की वीडियो बनाएंगे। वैसे ऊपर के सारे कमरे बचे हैं, नीचे के 10 कमरे कर दिए हैं। मैं सोच रहा हूँ ऊपर के कमरों को मैं ऑफलाइन कर दूँ, या फिर आप लोग चाहते हो ऐसे कुछ बढ़िया सा रेनोवेशन, कुछ अलग रेनोवेशन देखना चाहते हो तो बताओ मुझे कॉमेंट करके, हम लोग करते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो चीज़ को कवर अप। बाकी नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो यार, सारे के सारे बंदे एक एक लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे चैलेंज दे देना जो भी है। अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।